नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लास में अहां सबके स्वागत है। आज के वीडियो है क्लास 12वीं मैथिली के 25 लघुतरीय क्वेश्चन जे अहां सबके एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जानबाई यानी कि 25 MBBI लघुतरीय क्वेश्चन लोग हम आयल छी। अहां सब वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखब। अगर अहां सब पार्ट बाय पार्ट यानी कि 4 गो पार्ट अहां के गदखंड से और 4 गो पार्ट पदखंड से अगर अहां सब पूरा वीडियो देख लेबे तो लघुतरीय क्वेश्चन अहां के एको गो नहीं छूटत। यानी कि पार्ट ही एक है छे 25 क्वेश्चन। अहां सब ए वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर वाच करब। लघु उत्तरीय 2 नंबर के क्वेश्चन हमके आज वीडियो लेकर आयल छी। अहां सब शुरू से अंत तक जरूर वाच करब। आ जे सब पहिल बेर जुड़लो हन अहां सब की करो, सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन के जाकर क्लिक कर दियो, जैसे जखने हम वीडियो अपलोड करब सबसे पहले अहां सबके नोटिफिकेशन भेट जाए। तो क्लास के में स्टार्ट कर रहल छी। यानी कि एक क्लास में अहां के टॉप 25 एम्स देनबे लघु उत्तरीय मोस्ट वीबीआई लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर हम आयल छी। अहां सब शुरू से अंत तक जरूर बनल रहब। चलो देख सके छी अहां सब लघु उत्तरीय बेसी नहीं, अगर अहां सब के बढ़िया से ध्यान रख देबे तो एक एक लाइन के अहां के आंसर है बेसी नहीं। देखियो कोन ऋतु में गाछ पलवित होय छे, की क्वेश्चन छे अहां के कोन ऋतु में गाछ पलवित होय छे। ध्यानबे तो बहुत आसान छे, बसंत ऋतु में की होय छे गाछ पलवित होय छे। यानी कि जखनी बसंत ऋतु आवे छे तो देखबे गाछ में की होय छे अहां के पल्लव भ जाय छे। कथि गाछ में पल्लव भ जाय छे, बहुत आसान छे। अहां के वसंत ऋतु में गाछ समय की होय छे पल्लव, नया नवका नवका पल्लव आब जाय छे। की छे कि नहीं आसान से बताओ। बस एतबी अगर अहां सब लिख देबे त अहां के 2 नंबर यानी एको पॉइंट नहीं कटत, यानी कि 2 के 2 नंबर भेटत। लघु उत्तरीय में अहां सब बहुत शॉर्ट शॉर्ट में अहां के आंसर देबाक रहत। ठीक, क्वेश्चन 2 छे देखबे। 2 छे अहां के कोयली कलख कोन ऋतु के, देखियो कोयली के कलख कोन ऋतु के परिचायक थी। कोयली कलख कोन ऋतु के परिचायक थी, नबे तो कोयली के जे छे ध्वनि अहां के सबसे बेसी बसंत ऋतु में अहां सुनबे। बसंत ऋतु के आगमन होते कोयली के आवाज मधुर आवाज छे अहां के सुना भेट यानी सुन सके छी। बुझलिए, याद रखब कोयली कलख अहां के बसंत ऋतु के परिचायक थी। के कोन ऋतु के, देखियो वसंत ऋतु के। एतबे लिखबे अहां के 2 नंबर भेटते, कते 2 नंबर। ठीक छे, अहां सबके कमेंट चालू सर, अहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइयो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइयो तो अहां सबके लिए लेल जे छै सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज लक हम आयल छी। यानी कि पूरा किताब के हम 8 गो सेट में अहां के पूरा हम कंप्लीट करवा देबै। एमे 25 है छै तो नेक्स्ट अहां 25 गो ओहो में रहते। ठीक छै, तो हम 3 है छै अहां के विरहिणी पर काम देवक प्रभाव कोन ऋतु में होइत छै। मित्र सब विरहिणी पर काम देवक प्रभाव कोन ऋतु में होइत छै, तो विरहिणी पर जे छै अहां काम देव के प्रभाव सबसे बेसी बसंत ऋतु में होइ छै। यानी कि बसंत ऋतु, यानी कि बसंत ऋतु ऋतु के राजा कहल जाए, यानी कि ऋतु के राजा बसंत ऋतु। तो गृहिणी के काम देवक प्रभाव अहाँ के बसंत ऋतु में हो, कौन ऋतु में, बसंत ऋतु में हो। याद कि नहीं जाइयो अहाँ सब बढ़िया से यादे कह लें, क्या कि और कतौ से नहीं आये अहाँ के पढ़ा दे वह से अहाँ क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते। एग्जाम सर अहाँ जे कहने रहो एकदम से सही से भेट गया। दुआरे अहाँ सब हम जितने क्वेश्चन बता रहा बढ़िया से अहाँ सब याद कल। 4 अहाँ के नायक वसंत ऋतु में किएक हर्षित होइ छै, नायक जे छै अहाँके वसंत ऋतु में किएक हर्षित होइ छै। के नायक, नायक आ नायिका जानै छी, जेना नायक जहाँ कोनो फिल्म देखै छी ने तऽ ओहिमे जे हीरो होइ छै ओकरा की कहै छियै, नायक कहै छियै, जे हीरोइन रहै छै ओकरा की कहै छियै, नायिका कहै छियै। तऽ जानबै नायक जे छै अहाँके वसंत ऋतु में किएक खुश रहै छै, नायक आओर कोनो बात ला नहि अपना हीरोइन से मिलबाक लेल, कि अपना नायिका से मिलबाक लेल हर्षित रहै छै। वाह, जे आइ जे छै हम जे छै अपन नायिका से मिले के लिए जाए, किनका से, नायक के लिए, यानी कि नायिका के, नायिका से अपना हीरोइन से हम आज जे छै मिले के लिए जेबे, अहि के लिए जे छै अहाँके नायक हर्षित रहै छै। कोन ऋतु में, अहाँके बसंत ऋतु में, या देखब कोन ऋतु में, बसंत ऋतु में। ठीक छै, चलो 5 के वसंत ऋतु में नायिका के अभिलाषा की होय छै, यानी कि जखन वसंत ऋतु आबैत अछि जे नायिका रहै छथिन हुनका की अभिलाषा होइ छै, यानी कि हीरोइन के अभिलाषा की होइ छै। बोलौं तो उनका अभिलाषा वह छे जे वृक्ष सब में नवका नव पल्लव हो, यानी कि गाछ सब में नवका नवका पल्लव भ जाए, लाल 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 जे छे अहाँ के कमलक अधिक भ जाए, यानी कि चारों तरफ ललका ललका कमल फूल फुला लागे। ओतबे नहीं, मल्ले पर्वत जे छे हवा के और कोयलिक जे कुहकब के आवाज जे मधुर ध्वनि जे छे से हम सुनू। किनक इच्छा छी, यानी कि नायिका के इच्छा होइ छै जे देखियो वसंत ऋतु आबि गेलै हन आ वृक्ष समय नवका नवका पल्लव होइ जाय। बुझलहुँ, मल्ले पर्वत जे हवा के मधुर जे ध्वनि होइ छै कोयली के
हुनक मधुर ध्वनि हमरा सुने के भेटे कि और कामदेवक प्रभाव से नायिका उत्कंठित भ जाए यानी कि कामदेव के प्रभाव जे हुनका ऊपर होय छे जैसे नायिका उत्कंठित भ क नायक के तरफ आकर्षित भ जात अछि बुझलहुँ कामदेवक प्रभाव से किनक कामदेव बुझलहुँ ने मन में जे अहाँ सबके जागृति यानी जागृत अछि कामदेवे के प्रभाव से आकर्षित जे होय छी किनको प्रति कोन दन छे तो ई कामदेवक प्रभाव छे अट्रैक्शन भ गेलै हन जे अहाँ आकर्षित भ जाय छी किनक प्रभाव तो कामदेवक प्रभाव क्वेश्चन नंबर 6 चाहते सीमंतनी के जन्मक बाद राजा लोकनि निमित्ते सभा बसौलिन यानी कि सीमंतनी के जन्म के बाद राजा को निमित्ते सभा बैसौलिन यानी कि जब सीमंतनी के जन्म भ जाय छै तो राजा छै अहाँके राजा चित्रवर्मा किया सभा के बैसबैत अछि देखियौ सीमंतनी जन्मक बाद ओकर भाग्य के जानकारी हेतु राजा सभा बसबै छथिन की बुझलियै ने यानी भाई सीमंतनी के जन्मक बाद राजा ओकर भाग्य जानकारी हेतु राजा की करै छै अहाँके सभा के बसौलिन यानी कि बोलाबै छै यानी कि कहै छै देखियौ हम अपना राज में ढोलहो दिया दै छियै राजा चित्रवर्मा जते अहाँ सब जे छी ज्योतिषी सब आबि कऽ हमरा कन्या के भविष्य के बताओ जे हमरा कन्या के भविष्य केहन अछि तब वृद्ध ज्योतिषी से लबका नवका ज्योतिषी सब आबैत अछि आ ओहिमे सँ जे सबसँ वृद्ध ज्योतिषी रहै छथिन सीमंतनी के भाग्य विषय में हुनक बखान करैत अछि मुदा तखने ओहि सभा में एकटा नवका ज्योतिषी सेहो बैसल रहैत अछि ओ कहैत छै देखियौ आओर सब तऽ नीके अछि आओरो सब तो नीके अछि मुदा एकटा एहन संयुक्त बनि रहल अछि कि अहाँके सीमंतनी 14 वर्ष में की बजतै विधवा भऽ जाय वैधवे भऽ जाय ई सब सुनकर राजा से लऽ कऽ जते सभा में बैसल रहै छै सब जे छै अहाँके हक्का बक्का चिंतित भऽ जाय छै कि ये देखा मैं क्वेश्चन अहाँके पूछा तऽ सीमंतनी के जन्मक बाद राजा कोन निमित्ते सभा बसौलिन तऽ देखबै सीमंतनी के जन्मक बाद राजा चित्रवर्मा जे छै अहाँके अपन कन्या के भागक विषय में जानकारी हेतु सभा बैठबै छथिन के राजा चित्रवर्मा यौ ठीक छै तो साथ अछि अहाँके नवीन ज्योतिषी भविष्यवाणी पर रानी निवास के हाल भेल यानी कि नवीन ज्योतिषी जे भविष्यवाणी कलखिन भविष्यवाणी पर रानी वासक की हाल भेल देखियौ जे छल ने जखन सब पूरा राजक ज्योतिषी सब आयल छल नवका से लऽ कऽ वृद्ध ज्योतिषी सब आयल छल तब वृद्ध ज्योतिषी छै आके सीमंतनी के बारे में हुनक भाग्य विषय में निमन निमन बात कहै छै मुदा ओहे ठाम एकटा नवका ज्योतिषी बैसल रहै छै ओ कहै छै देखियौ आओरो सब तऽ नीके अछि मुदा एकटा एहन संयोग बनि रहल छै कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14 वर्ष में विधवा भऽ जायत ई बात सुनकर जे छै अहाँ के राजा चित्रवर्मा के साथ साथ रानी जे छै रानी निवास में बात सब पहुंच जाय छै हाहाकार मची गेल यानी कि नवीन ज्योतिषी भविष्यवाणी पर रानी वास में हाहाकार मची गेल सब स्त्रीगण के बीच में कनारोहट होमय लागल बुझलहुँ जखन नवका ज्योतिषी छै ने जे कहै छै ओहि सभा में देखियौ औरो सब तऽ नीके अछि मुदा एकटा एहन संयोग अछि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14 साल के बाद विधवा भ जायत ई बात सुनकर राजा तऽ चिंतित भइए जायत अछि अतबे नहि राजा सोचै छथिन जे ई बात छै कारण रानी सबके कान तक नहि पहुँचे के चाही मुदा कोनो बात छुपल थोड़े रहै छै यौ ई बात छै अहाँ धीरे धीरे रानी निवास तक पहुँच जाइ छै रानी सब सुनकर बात सब रानी सब कनारोहट होमय शुरू भ जाय छै रानी सब सोचै छथिन बताओ तऽ एते पुत्र सब छल एकटा कन्या भेल आ इहो जे छै कहना विवाहक 14 साल जाकर की बजतै विधवा भ जायत ई बात सुनकर सब जे छै अहाँके कनारोहट करय लागै छै मुदा ओहे ठाम एकटा बूढ़ दबान रहै छै के बूढ़ दबान ओ जे छै सबके समझाबै छै ई बताओ ई जे छै नवका ज्योतिष अहाँ कहलक हन जे अहाँके कन्या जे छै कन 14 वर्ष में विधवा भ जायत एकर बाप दादा पर दादा जे छै हमरा ओहिठाम आबि कऽ तिला संक्रांति में जे छै अहाँ दही जे छै दही भेल तिल भेल चूड़ा भेल आओर जूठन सब मोटी बान बान कऽ लऽ जाइ छै ई नवका ज्योतिषी जे छै कहियाके ज्योतिषी भऽ गेल ई जे छै एकर बात मिथ्या भऽ जायत ई एकदम सँ झूठ बोल रहल अछि अहाँके अहाँ सब हिनक बात नहि मानू जखन जे छै अहाँके विद्यवान कहै छै ई बात तऽ रानी सबके आहा हा एकदम सही बात कहलहुँ ई तऽ नवका ज्योतिषी कर ई कहियाके विद्वान भऽ गेलै एकदम सही झूठ बोल रहल छै तऽ सबके कनी जान प्राण आबै छै कि क्वेश्चन 8 छै उहे जे बूढ़ देवानक कथा सुनी रानी लोकनि पर केहन प्रभाव पड़ल
तो बूढ़ देवानंद कथा सुनकर रानी लोकनी देह धारण कैलिन आ शोक करवा यानी कि जो टेंशन में रहने शोक कानी छलखिन रहे त्याग दलखिन। तखन जानै छियै ने ई बूढ़ देवानंद कथा सुनी रानी लोकनी पर केहन प्रभाव पड़लियो, तो बूढ़ देवानंद कथा के सुनकर रानी सबके धैर्य धारण कैलखिन कल नय 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 एकदम सही कहे छे बूढ़ देवानक कथा एकदम सत्य है छे नवका ज्योतिषी जे छे कहा के ई ज्योतिषी भ गेल के सब रानी सब जे छे धैर्य धारण करते छे। क्वेश्चन नंबर 9 छे अहां के आर्यावर्तक राजा के नाम छल यानी भाई त आर्यावर्तक राजा के नाम की रही का चित्रवर्मा की नाम रहे का चित्रवर्मा आर्यावर्तक राजा के नाम छल चित्रवर्मा छल कथी आर्यावर्तक राजा के नाम चित्रवर्मा छल और हिनके कन्या का नाम की छल सीमंतनी छल। राजा चित्रवर्मा जानबे कतक राज रहे त अहां के आर्यावर्तक राजा छल हिनका अनेको गुण संपन्न पुत्र छल मुदा एको तो यानी एको जे छे अहां के एको कन्या यानी कि पुत्री नै रहे। तैक बाद राजा चित्रवर्मा जे छे अहां के अनेको देवता पितर के आराधना करैत अछि तैके बाद हिनका एकटा कन्या के प्राप्ति होइत अछि यानी कि पुत्री के प्राप्ति होते छा जिनक नाम सीमंतनी रखल जाए छे। या देखम आर्यावर्त राजा इच्छा के चित्रवर्मा छल। कृष्ण 10 है छा के राजा के कन्या प्राप्ति कोना भेल यानी कि राजा चित्रवर्मा के कन्या यानी कि पुत्री के प्राप्ति कोना भले। तो राजा चित्रवर्मा के देखियो अहां के सुनावे छी कथा हिनका अनेको गुण संपन्न पुत्र छल एगो दुगो ने अनेको प्रसाद पुत्र छले रहे मुदा एकोटा पुत्री नै रहे कन्या नै छल अही के राजा चित्रवर्मा छे अनेको देवता पितर के आराधना करत अछि तत्पश्चात हिनका एक कन्या के प्राप्ति होत अछि जकर नाम सीमंतनी रखल जात अछि। कि अहां सब समझ रहल छी अगर अहां सब के बढ़िया वीडियो लाग रहल अछि त एगो लाइक जरूर करू और अपना मित्र दोस्त में शेयर करबै जैसे सब जे छै अहां बढ़िया से तैयारी क ले ठीक छै। चलो तैयार है ने कतेको देवता पितर के आराधना से राजा के कन्या के प्राप्ति होते छे। तो मैं गारो छ के राजा अपन कन्या के नामकरण कहिया वो की कैलथिन राजा जे छे राजा चित्रवर्मा छे अहां के अपन कन्या के नामकरण कहिया वो की कैलथिन तो राजा कन्या के जाति कर्म यानी कि संस्कार संपन्न क क 11म दिन कोन दिन 11म दिन जे छे हुनक नामकरण सीमंतनी कैलथिन बुझलो ने राजा छे अपन कन्या के नामकरण क क 11म दिन हुनक नाम सीमंतनी कैलथिन। क्वेश्चन 12 छ के राजा वृद्धगण के कोन तरह प्रसन्न कैलथिन राजा चित्रवर्मा छ के वृद्धगण के कोन तरह प्रसन्न कैलथिन तो राजा वृद्धगण के अमृत सनक वाक्य से तृप्त भ क आशा साधी के प्रीतोषित प्रदान क हुनका सबके प्रसन्न कैलिन। या देखियो ई कथा जे छे कत के छे जखन जे छे अहां वृद्ध ज्योतिषी जे छे कन कथा कहते छे इनका बारे में हुनक भाग सीमंतनी के भाग रेखा देख कर कहे छे अहां के छे सीमंतनी गौरी सनिक सौभाग्यवती है छे दमयंती सनिक सुरूपा है छे सरस्वती सनिक कालाभिज्ञा है छे पतव्या ने लक्ष्मी सनिक सर्व अभिलाषा पूरिका है छे लो तैके बाद ई सब जे छे हुनका बारे में बड़ा सुन क राजा चित्रवर्मा वीर ज्योतिषी के जो सोचनोहन छलखिन रहा वृद्ध ज्योतिषी जे हमरा एते मान सम्मान एते दान दक्षिणा भेटत यानी कि हुनका सोच से अधिक परितोषित हुनका देल जात अछि किनका वृद्ध ज्योतिषी के बुझलहुँ यानी कि अमृत सनक वाक्य से तृप्त भ क आशा से अधिक परितोषित प्रदान क हुनका प्रसन्न कैलथिन के राजा चित्रवर्मा। चलो प्रश्न 13 छ के सभा सकल लोक कियक व्याकुल व्याकुल चित्त भ गेला यानी सभा सकल लोक कियक व्याकुल चित्त भ गेला तो देन भाई यही छै कि अहाँ के यौ सभा में नवका ज्योतिषी वृद्ध ज्योतिषी पूरा सभा के ज्योतिषी सब आयल छल बुझलहुँ मुदा ओहि सभा में छै कने वृद्ध ज्योतिषी के कथा सुनला के बाद ओहि सभा में से एकटा नवका ज्योतिषी उठै छै और कहै छै कने कठोर शब्द क यानी कि कुछ औरो शब्द नीक छै मुदा एकटा एहन संयोग बनि रहल कि अहाँ कन्या 14 वर्ष में की भेल तहां के विधवे भ जाते बुझलहुँ। या देखम नवीन ज्योतिषी के वज्र सन कठोर कथा सुनी सभा सकल लोक व्याकुल चित्त भ गेला के नवीन ज्योतिषी के वज्र सन कठोर वज्र सन कठोर बात की जाने छे ने उ की कहे छे कन नवका ज्योतिषी सभा में खड़ा भ क राजा चित्रवर्मा के हुनक कन्या के बारे में हुनका पुत्री के बारे में देखियो राशि
देखियो राजा साहब और सब बहुत बढ़िया है और सब ठीक है, मुदा एकटा एहन संयोग है कि अहा के कन्या सीमंतनी चौदहवीं वर्ष में जाकर की बलता के विधवा भ जात। लो तो यह कठोर बद्धर सनक कथा सुनकर सभा सकल की भले व्याकुल भ गेलै, ठीक ने। देखियो अहा के जे कतौ खुशी के समय रहत ओ जगह अगर कोनो सच्चाई के कोनो सच्चाई वाला बातो छै तो छुपा लेके चाहिए, मुदा जे छै कुछ और बोल देलकै नवीन ज्योतिषी लबका ज्योतिषी मन में पेट में बात नहीं पसलै कुछ से कुछ बोलखिन। क्वेश्चन नंबर 14 है अहा के लोक किएक अपमानित होइत अछि, लोक किएक अपमानित होइत अछि। बनबे लोक जे छै अहा के सत्य कथा बजने यानी कि किनको जे सत्य कथा कहबे ने तो की होइ छै अहा के अपमानित होइ छै, यानी किनको अहा सच्चाई बतेबे जे अहा ई काम कयलो हन अगर ओ काम ओ कने रहत तो हुनका की रहत कह हमरा ई तू अपमान कर देला रहो के, यानी कि कतौ जे छै अहा सत्य कथा कहबे ने अहा ककरो चोरी कर देख लेबे आ पांच गो लगे तू चोर छी तू जगह चोरी कर छली रहै ई बात सुनकर हुनका की कहत ई तो हमरा अपमान कर रहल छै ई नै कह दे जे हम सही में चोरी कर छलो रहै के, यानी कि अनवसन में सत्य कथा बजने लोक अपमानित हो जाए कि अनवसन में सत्य कथा बजने लोक की हो छे अपमानित हो छे क्यों, यानी कि एकाएक ककरो जे छे सत्य कथा कहबे ने तो की बस अहाँ के अपमानित। क्वेश्चन 15 छे अहाँ के जानबे सीमंतनी प्रतिदिन कोना बढ़े लगली, सीमंतनी अहाँ के प्रतिदिन कोना बढ़े लगली। ध्यान देबे सीमंतनी प्रतिदिन शुक्लक पक्ष चंद्रिका जका बढ़े लगली, मतलब ने याद रखना बढ़िया से भूलबे नहीं, सीमंतनी प्रतिदिन शुक्लक पक्ष चंद्रिका जका बढ़े लगली। 16 छ अहाँ के जमींदारक आर्थिक स्थिति पर कौन तरह विचार कैल गेल अछि, जमींदारक आर्थिक स्थिति पर कौन तरह विचार कैल गेल अछि। देखियो ई प्रसिद्ध अछि कि धन ही से धन उत्पन्न होइ छै, तैं यदि आप मैथिल जमींदार लोकनी सावधान भ कऽ व्यापार दिशी दृष्टि देता तो धनहुक वृद्धि होबे करता के, यानी कि जमींदार देखियो ई प्रसिद्ध छै कि अहाँ के पास अगर 50 लाख रुपया है ना अगर कोनो बिजनेस में अगर अहाँ लगा देबे अहाँ के उस 50 लाख के हिसाब से अहाँ के आमदनी हैत, अगर अहाँ एगो पान के दुकान खोल कर 50,000 रुपया लगेबे तो अहाँ अगर पूंजी लगेलिए 50,000 तो अहाँ के आमदनियो जो छै अहाँ के 5,000 रुपया आयत, मतलब कि जत्ते बेसी अहाँ पूंजी लगेबे ओत्ते बेसी अहाँ के आमदनी हैत। तो कि ई प्रसिद्ध है छै कि धन ही से धन उत्पन्न होइ छै, तैं आबि मैथिल जमींदार लोकनी सावधान भ कऽ व्यापार दिशी दृष्टि देता तऽ धनहुक वृद्धि होइबे करता। कि कहबा कहत अछि अगर अहाँ व्यापार करबै अहाँ के धन के वृद्धि सबसे बेसी हैत, कियाकि सबसे आमदनी कथी में छै व्यापार में छै, कहै के अर्थ ई अछि अगर अहाँ बेसी कोनो चीज में पूंजी इन्वेस्ट कऽ रहल छी लगा रहल छी तऽ अहाँके आमदनियो इनकम जे छै अहाँके बेसी होत, मुदा अगर अहाँ जे छै इन्वेस्ट करबै 50,000-20,000 तऽ अहाँके आमदनी वएह हिसाबे से ने होत यौ, ठीक छै। चलू क्वेश्चन नंबर 17 अछि अहाँके लेखक जमींदारक पोशाकक विषय में की कहने छथि, लेखक जमींदारक पोशाकक विषय में की कहने छथि। तऽ देखबै जमींदार जतऽ जाइत छथि दोसल्ला बिना नहि जाइ छै, जमींदार जतऽ जाइ छै दोसल्ला बिना नहि जाइ छै, यानी जमींदारक पोशाकक धान तऽ छल दोसल्ला, जमींदार छै तऽ धान के ढेरी हेबे ने करतै, जमींदार जतऽ जाइ छै दोसल्ला बिना नहि जाइ छै, जाने जमींदारक पोशाकक धान तऽ छल दोसल्ला छल। 18 छै अहाँके गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम के छल रहै, गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम जे छै कतेक छल, ई बढ़िया से याद रखम 25 क्वेश्चन अहाँ के वीवीआई हम लोग आयल छलियै रहै, तऽ अहाँ सब के बढ़िया से एक दू बेर देख लेब जैसे अहाँ सब याद भऽ जायत एको क्वेश्चन अहाँ सब नहि छूटतै। तो गंगानाथ झा के समय में पागक दाम कितने चले रहा था 1 टका, कितने रहे कन अहाँ के 1 टका, गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम मात्र 1 टका छल, कितने यो 1 टका। अहाँ सब कतक जुड़ल छी मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर कौन कौन जिला से सीतामढ़ी आसा से फटाफट अहाँ सब कमेंट करू, ठीक अपना मित्र दोस्त में शेयर जरूर कर देबे जैसे हुनका से पता चल जेतै कि सब्जेक्टिव क्लास सेहो भ रहल अछि जैसे अहाँ सब के मैथिली के बढ़िया से तैयारी भ सके। क्वेश्चन 19 है अहाँ के दोपटा आ मिर्जाई के व्यवहार की करै छला, दोपटा आ मिर्जाई के व्यवहार की करै छला। तो उत्तम श्रेणी के सज्जन रही थी से दोपटा आ मिर्जाई व्यवहार करथिन, यानी उत्तम श्रेणी के सज्जन रही थी से दोपटा आ मिर्जाई व्यवहार करथिन, या देखम दोपटा आ मिर्जाई व्यवहार के करै छला। तो उत्तम श्रेणी के सज्जन रही थी से दोपटा आ मिर्जाई व्यवहार करै छलखिन रहै। 20 अछि अहाँ के
डॉक्टर गंगानाथ झा जमींदार से व्यापार करवा हेतु किएक कहलिन, यानी डॉक्टर गंगानाथ झा जे छै जमींदार से जमींदार लोग के किएक कहै छै जे अहां से व्यापार करियो, तो जानै छी ने व्यापार में सबसे बेसी आमदनी होइ छै, जते अहां पूंजी फसेबै ओते बेसी अहां के आमदनी होत, के तो धन ही से धन उत्पन्न होइ छै। क्या यदि आप मैथिली जमींदार लोकनी सावधान भ क व्यापार दृष्टि दृष्टि जता त धनो के वृद्धि होते करत, के डॉक्टर गंगानाथ झा जमींदार सब व्यापार करे के लिए कहे छे के देखियो व्यापार जते छी अहां जमींदार सब अब अहां सब विशेष को व्यापार दिशे ध्यान दियो, अगर अहां व्यापार से ध्यान देबे त अहां के धन के वृद्धि खूब होत, कि अहां सब जे छे व्यापार दिशे ध्यान बेसी दियो, कि अहां सब खाली खेत में लगल लगत ने काम चल जइयो, व्यापार दिशे ध्यान दियो। क्वेश्चन नंबर 21 है जहां के दरभंगा जिला के प्रथम बीए के भला, मतलब कि दरभंगा जिला में वो कौन व्यक्ति छला जो सबसे पहले बीए पास कर खेन, तो 1888 में बिंदनाथ झा प्रथम बीए पास कर खेन रहा दरभंगा जिला में, दरभंगा जिला में बिंदनाथ झा जी छे यहां के 1888 में, कहिया 1888 में प्रथम बीए पास कर खेन रहा, कहिया 1888 में। ठीक, क्वेश्चन 22 है जहां के डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम की छल, डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम छल अहां के डॉक्टर जानबे गंगानाथ झा भाई के नाम बिंदनाथ झा, कब जे सॉरी यहां एसबी में के दो नंबर मिलता है, अरे 110% मिलते हैं, यहां सब खाली है तो कह लिया दो नंबर के यहां के पॉइंटों में करते गा ना, कभी नहीं पॉइंट में सेहो नहीं करते, दो के दो नंबर भेटत, खाली यहां सब लिख के आया बोलो, यानी कि 22 में क्वेश्चन डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम की छलिन, तो हिनक भाई के नाम बिंदनाथ झा छल, डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम की छल अहां के बिंदनाथ झा। क्वेश्चन 23 है जहां के लेखक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि, लेखक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि, यो जखन की अधोगति जानबे जखन अधोगति दवाई उद्धगति दृष्टि दिशी दृष्टि राखू और सर्व क्षेत्र में मिथिला मैथिली के उन्नति द्वारा भारतवासी के भारतीय उन्नति तत्पर होत, जानबे लेखक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि, यो लेखक के मते तुलनात्मक दृष्टि कखन भ सकै छै, तो लेखक के अनुसार अधोगति कथी अधोगति कहबा कहै छै कि ई बताओ मिथिला के अधोगति भेल है नै भेल, मिथिला के देखियो अगर कोई कह दे मिथिला के अधोगति भेल मतलब कि विकास नै भेलै, नै मिथिला में देखियो दरभंगा में एयरपोर्ट बन गेलै, कर आ मधुबनी पेंटिंग प्रचलित अछि, के ओतबे नै जनक धाम देखियो, अरे मिथिला में उन्नति जे छै कन अहाँ के सबसे बेसी भ रहल छै, अहाँ के अगर कोई कह दे मिथिला के अधोगति भेल, नै मिथिला के अधोगति कहाँ भेल, मिथिला तो अहाँ के जे छै अहाँ के बहुत विकास भेल हन। ठीक, अब मिथिला के अगर विकासक बात करी सबसे उदाहरण छै अहाँ के दरभंगा में एयरपोर्ट, एक बात छै अहाँ के मिथिला में अनेको काज सब भेल, के मिथिला दरभंगा के समस्तीपुर कहियो मधुबनी कहियो देखियो हर जगह छै अहाँ के विकास, रोड सड़क अस्पताल सब बनल छै, तऽ की अहाँ विकास के बात धेने छी। 24 नंबर क्वेश्चन छै यहाँ के रूना के छथि, रूना के छथि अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, ए हिसाब से बहनक अहाँ के इलाका में छी, के यानी कि रूना के छथि अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहनक इलाका में छी, अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहनक इलाका में छी, क्वेश्चन की रूना के छथि अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहनक इलाका में छी। 25 है जहाँ के चंद्रशेखर झा के छथि ओ कतः पदस्थापित छथि एवं कतेक दिन से गाम नहीं आयल छै, यानी कि चंद्रशेखर झा के छथि ओ कतः पदस्थापित छथि एवं कतेक दिन से गाम नहीं आयल अछि, जानबै चंद्रशेखर झा रूना के पति छथि ओ मणिपुर में पदस्थापित छथि, ओ करीब 3 वर्ष से गाम नहीं आयल छै, या देखम बढ़िया से चंद्रशेखर झा रूना के छे पति छे ओ जे छे अहाँ के मणिपुर में सेना में जाके भर्ती भेल, याद है ना कि रूना जे छे अहाँ के नाक के बेसरी हिनका नहीं देलकै रहै, तो भाई को जाकर मणिपुर में अहाँ के पद स्थापित भ गेलखिन रहै, अब करीब 3 साल से गाँव नहीं एलखिन रहै। अइ प्रकार से अहाँ सबके 25 गो क्वेश्चन हम पूरा सम्पन्न कैलो, अइ के बाद अहाँ के 26 से लऽ कऽ 50 तक पार्ट जानबे अहाँ के दू आयत, अहाँ सब अगर अखन तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं कलो सब्सक्राइब कर लिया, क्या कि जहिना हम पार्ट 2 लग आयब अहाँ सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले भेट जायत,
अहाँ सब चाहे मैथिली संपूर्ण तैयार करवा के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो को अगर वीडियो अहाँ सब पसंद आयल है तो लाइक जरूर कर दियो, अपना मित्र दोस्त समय शेयर जरूर कर देवे, जैसे उनका सबके बढ़िया से तैयारी भ सके। एक प्रकार वीडियो के अत हम समाप्त कर रहा छी। जय हिंद, जय भारत।